कभी इस दल में कभी उस दल में, और मुझे धमकी कह रहे हैं कि हमने राजीव राय को सेट कर लिया है। अरे जाओ मंत्री जी, मनोरंजन मंत्री जी, चार दिन के मंत्री जी, पैरों पर गिर कर मंत्री बनने वाले मंत्री जी, चरण वंदना करके मंत्री बनने वाले मंत्री जी, थूक कर चाटने वाले मंत्री मंत्री बनकर मंत्री बनने जी, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है राजीव राय को खरीदने की और राजीव राय को सेट करने की। आप जैसे जाने कितने मंत्रियों को पांच तारीख को आप पैदल हो जाओगे, लेकिन हम बदले फिर भी लेकर आएंगे। जहां से भी आप अपने बबुआ को अगला चुनाव मेला घूमते घूमते जाओगे, घोसी के लोग जाएंगे और बताएंगे कि इसने हमको गाली देने का काम किया था, इसने हमारे प्रधानों को बेइज्जत किया था, इसने हमारे जिला अध्यक्ष को बेइज्जत किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया था। ऐसे लोग और प्रत्याशी महोदय है, मैंने पत्रकार साथियों से अनुरोध किया, लेकिन यही दिख रहा है जरूर की बातें मनोरंजन के लिए अच्छी लगती है। घोसी के लोगों को 20 सालों से इस बात का इंतजार है कि उनके मित्रों की बात कब होगी, कल्पनाथ राय जी के बाद जो विकास हो गया है उस विकास पर बात कब होगी। पत्रकार साथियों ने जाकर पूछ दिया प्रत्याशी महोदय से कि राजीव राय कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बात कब होगी। अरे यार बोलो ना, विकास के खोज के लिए हम बात कर लें, यह उनकी बौद्धिक क्षमता है। विकास जब खोज के लिए तो बतियाली जगह विकास मुद्रा के बाद जे मंत्री रहते हैं अपने गांव के खड़ंजा ना बनवा पहले, वो आपकी पीजीआई बनाओ तो दिल्ली मॉडल स्कूल बनवाओ तो सड़के चकाचक कर रहे हैं और आकर बोल रहे हैं कि यहाँ मौका विकास नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी सबकी जिम्मेदार है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने ये पता है कि 7 साल से यहाँ 10 साल से दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, जिसको इतना ज्ञान नहीं उसको कहाँ भेजोगे, पूछना होगा कुछ और, पूछने लगेगा कुछ और बाबू जी कहते हैं कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो, दिल्ली मेरे बेटे को सांसद बना दो, मैं दिल्ली से मंत्री बना के जाऊंगा तो बहुत मार लेके आऊंगा। फिर कहते हैं उनसे दिल्ली वालों ने कहा कि कौन सा मंत्रालय लोगे, तो मैंने बोला वही जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें मार बहुत ज्यादा है, और सोच देख लीजिए, वहां से जा दो तो मार ले आऊंगा, मंत्री बना दो तो मार ले आऊंगा, उसमें भी पेट नहीं भरा तो कोई पैसा लेकर जा रहा हो तो 10 लाख में से 9 लाख लूट लेना, 1 लाख किसी को बता देना। मैं जो किसी से मांग करता हूँ पत्रकार साथियों, ये बात पढ़नी चाहिए, बात छोटी मोटी नहीं है, कल आपको भी लूटा जा सकता है, कल इस घर बेटी को भी लूटा जा सकता है, ये बात पढ़नी चाहिए। मान्य योगी जी, ये व्यक्ति जो लूटने की बात करता है, आपके मंत्रिमंडल में एक भी जिंदाने के काबिल नहीं है, उसे भी आप इस मंत्री बन के चले गए। मैं राजीव राय, मैं किसी नारे की बदौलत नहीं, किसी चुनावी मौसम की बदौलत नहीं, 10 सालों से हारने के बावजूद, धरने के बावजूद, इसमें से कोई साथी ऐसा नहीं होगा, बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी साथी ने एक मैसेज भेज दिया हो, एक फोन कर दिया हो, एक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, चाहे किसी साथी के जरिए एक मैसेज भेज दिया होगा कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे ये मदद की जरूरत है, मुझे पुलिस से जरूरत है, मुझे प्रशासन से बात करने की जरूरत है, और आपके बेटे भाई ने कभी उसे मना किया हो या उसे उसके लिए चार कदम चलने का काम नहीं किया। मैं बात परिस्थितियाँ मैं तो छोड़ के जा सकता था ना, 14 में क्या पा गया था, अरे तो मैं जोर से आया है आज तो वासिक मशीन लेकर घूम रहे हैं, वासिक मशीन लेकर घूम रहे हैं, मैं चला गया आपका, लेकिन आज यहाँ खड़ा होकर आपसे कैसे मिला था, आप क्या करते, ये भी तो औरों की तरह निकला, कसने खाया, वादे किया और मौका नहीं देते निकल गया। मेरे ऊपर इतना दबाव था कि बंगलोर के एक बोर्ड पर कैबिनेट मंत्री ने मुझे बुला कर बोला, राजारम द्वारा राइट का निदान पार्टी यूसुफ ज्वाइन बीजेपी, राय साहब एक बहुत अच्छा आदमी है कि गलत पार्टी में आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप जो चाहेंगे तो मिलेगा, और ये टिकट मिलने के बाद